ओए अबे क्या कर दे यार, देख के चला करे। नारायण नारायण, अरे क्या बात है। अरे देख हेयर स्टाइल तो देख, बहुत बढ़िया बनाई है। अरे क्या बात है, और ये क्या है बैंड बाजा। नारायण नारायण, आप तो नारायण नारायण ऐसे कर दो जैसे आप नारद जी के चेले हो। मैं चेला नहीं, मैं खुद नारद हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ। क्या बात करते हो, आप नारद बाबा हो। नारायण नारायण, आप मुझे एक बात बताइए, ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो देवलोक में होना चाहिए। मैं देवलोक से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ, आप मेरे साथ देवलोक में आओ, जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। या? स्वर्ग में एक सीट खाली है? हाँ। अरे वो राजेश खन्ना वाली फिल्म है स्वर्ग। हाँ। अरे वो तो बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें कैसे एक सीट खाली हो सकती है? अरे बाबा आजकल नई फिल्मों में तो हाउसफुल होता है, हाउसफुल। और देखिए, एक सीट से हमें क्या करना, हम तो दो आदमी है तो दो सीट चाहिए, और अगर आप टिकट ब्लैक में देना चाहते हैं ना तो हम ब्लैक में भी ले लेंगे। मैं वो स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्वर्ग की बात कर रहा हूँ जहाँ स्वयं देवता देवियां और परिया रहती है, और स्वयं धर्मराज महाराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर वहां पधारने का निमंत्रण दिया है, इसलिए आप मेरे साथ स्वर्ग में आइए, वरना ऐसा सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। बहुत टफ पड़ गया यार इधर। नारद बाबा, आप स्वर्ग की सीट की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, वो सीट किसी बूढ़े आदमी को दे दीजिए। आप ही बताइए, अभी हमारी उम्र है स्वर्ग में जाने की? अरे अभी तो हम जवान हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। अरे अभी तो हम डिग्री लेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, शादी करेंगे, अरे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, फिर जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारी उम्र हो गई है तो हम जरूर आपके पास आएंगे। अभी हमें माफ कीजिए बाबा, सॉरी बाबा। बच्चों ध्यान में रखो, इंसान छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, काल किसी को नहीं छोड़ता, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, मौत और मुसीबत किसी को पूछ के नहीं आती, काल का चक्र ही ऐसा है। मेरी बात मानो, अपनी युवा अवस्था को इस तरह बर्बाद मत करो, नरक में मत डालो, अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको युवा अवस्था में भी स्वर्ग में स्थान दिला दूंगा। नारद बाबा, स्वर्ग में मैं हीरो बन सकूंगा? साथ में अच्छी सी हीरोइन हो, जेब में कैश हो, फाइव स्टार होटल हो, हाथ में बियर की बोतल हो, तो हमारे लिए तो यहाँ पे स्वर्ग ही स्वर्ग है। देखो नारद बाबा, हम लोग चारों ओर हमारा धाक जमाना चाहते हैं। अरे बच्चों, ये कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? खराब संगत में फंसोगे तो शिक्षण जगत को भी बदनाम करोगे। जीवन को सुधारने के लिए थोड़ा चारित्रशील बनो, थोड़ा तो सुशील बनो। देखिए नारद बाबा, एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और आप भी हमारे पीछे पड़ गए। अरे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नारद बाबा, किसी न किसी को स्वर्ग में ले जाने का आपको इतना ही शौक है तो हम आपके पास उन्हें भेज देते जो हमारा साक्षी बनकर, हमारी मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। देखिए नारद बाबा, हमारे इलाके में लोग हमसे डरते है। अरे पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकती, इंस्पेक्टर को भी अभी हमने भगा दिया। देखो हम हमारा यहाँ पे चारों ओर रौब जमाना चाहते, रौब, बस चारों ओर हमारा रौब हो जाए, हमारा नाम सुनते लोग डरने लगे, हमारा नाम सुनते हमारा काम हो जाए, नाम हो जाए नाम, बस उसके बाद स्वर्ग के बारे में सोचेंगे। नारद बाबा, हाँ? आपको स्वर्ग के लिए एक ही चाहिए ना? हाँ? तो आज शाम हम भेज देते हैं उन्हें आपके पास, वो सीधा ही आपको स्वर्ग में मिलेगा। हाँ? आपको ढूंढने की जरा भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको तो स्वर्ग के लिए एक सीट वाला तो मिल जाएगा। हाँ? और अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम है ना। ओके बाय नारद बाबा, बाय। नारायण नारायण, क्या हाल हो गया इस युवाओं का? युवा तो देश की नींव माने जाते हैं, और ये नींव ही कितनी जर्जरित है, क्या होगा इस दुनिया का? चलो किसी और जगह पे प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी को तो ले जाना ही है स्वर्ग में। नारायण नारायण।